ये देखो बेटा, इसमें से जो अच्छे लगे तुम्हें रख लो। बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बल्कि ये सभी बहुत प्यारे हैं। डायमंड पहनती थी? ये तुम्हारे दादा ने मुंह दिखाई में दिया था हमें। वाह भाई वाह। हाँ बिल्कुल बीजान, ये तो सभी एक से बढ़कर एक है, बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई, ये सेट तो हमारी अम्मा ने और हमारी सास ने दिए थे। ये दोनों सेट जो है ना, हमारी सास हमारी बरी में लेकर आई थी। और बाकी ये वाला सेट जो था ना, जो तुम्हें बहुत पसंद आया है, ये तुम्हारे दादा ने हमें मुंह दिखाई में दिया था। और बाकी जो थे वो वक्तन फवक्तन तुम्हारे दादा ने कभी मुख्तार की पैदाइश पे, कभी रजा की पैदाइश पे देते रहे। बल्कि मुख्तार ने अपनी शादी पर एक सेट हमें दिया था, शायद इनमें से कोई था, और एक रजा ने बनाया था। तो हमने सोचा कि हमारे चल चलाओ का वक्त, अपनी जिंदगी में ही सबको दे दूं, बाद में कोई झगड़े ना हो जाए। बीजान, आपने मुझे बुलाया? उफ, अब इनके आने के बाद तो एक अंगूठी भी हाथ नहीं आने वाली। हाँ बेटा, आज मैंने सारे जेवरात लॉकर से निकलवाए, अब तुम भी पसंद कर लो इसमें से। भाई जो कुछ भी मेरा है वो मेरे बच्चों के तो है, ताकि तुम सब में तकसीम कर दूं। लेकिन क्यों निकलवाए बीजान? मैंने सोचा ना जाने कब आंखें बंद हो जाए, तो अपनी जिंदगी में सब बच्चों में तकसीम कर दूं। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपका साया हम पर हमेशा कायम रहे। अरे बेटा, आप ही से तो इस घर में रौनक है बीजान, और ये सारे जेवर ना आप पर बहुत जचते हैं। भाभी ठीक कह रही हैं, भाभी तो कभी गलत कह ही नहीं सकती। बीजान ये देखें, ये कितना खूबसूरत और डिसेंट सेट है। वैसे ये ना आप वरीशा के निकाह पर पहन सकती हैं। अरे बेटा, ये इतना भारी सेट मैं कहाँ पहनूंगी, ये तो मेरी वरीशा पे ही सजेगा, है ना। मैं रुनिसा, तुमको इसीलिए बुलाया था कि तुम भी पसंद कर लो अपने लिए व आज की दुल्हन के लिए, बाकी मैं वरीशा को दे दूंगी। अरे सिर्फ वरीशा को क्यों बीजान, शिफा भी तो आपकी नवासी है, और वह शीरी का भी हक बनता है। अरे अल्लाह रखे, शीरी और शिफा का करने वाले जफर मौजूद है। वैसे शिफा के लिए मैंने अलग कर दिया है जेवर। हाँ, रख दिया है। भाई वरीशा का हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बरसों पहले इसका बाप तो इस दुनिया से चला गया, और अगर हमने भी नहीं किया तो ससुराल वाले क्या कहेंगे कि दादी ने बोझ समझ के उतार दिया। ठीक कह रही हैं बीजान, रजा होता ना तो वरीशा की शादी में पूरा शहर सजा देता। लेकिन बीजान, मेरे पास बहुत सारे जेवर हैं, और ये जेवर तो ना सिर्फ आप पे जचते हैं। लेना तो तुम्हें पड़ेगा, अब चाहे तुम इसको मेरा हुक्म समझो या मोहब्बत। अरे बीजान, अपने बच्चों की तरह जिद करती हैं। शुक्रिया आपका। सब मेरे बच्चों का है। किचन में कुछ चढ़ा के आई हूँ, मैं आती हूँ। हाँ डैड, खुश हैं सब, बहुत खुश हैं। इतना ज्यादा खुश हैं कि खुशियां मना रहे हैं, और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सब मेरी शादी की बातें करें। बल्कि दादू ने तो मुझे आज अपने कोई ज्वेलरी, पुरानी ज्वेलरी भी दी है, लेकिन मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। मामा बहुत खुश है उन सब चीज़ों को लेकर। हाउ वुड आई नो डैड, मुझे क्या पता क्या प्राइस होगी, क्या क्या वेट होगा। आई डोंट नो, आप मामा से पूछ रहे हैं ये सब चीज़ें, प्लीज डैड। लेकिन मेरी बात सुनो आप, मुझे ये मामला तो जैसे हाथ से निकलता जा रहा है। मुख्तार और मैरुनिसा तो एक के बाद एक चाल चलते जा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं वरीशा जज्बात में आकर कोई गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि अकल और समझ में वो बिल्कुल अपनी मां पर गई है, बेवकूफ और जज्बाती। इस वक्त मुझे तानियाल की जरूरत है,
उसे ना जाने जमीन खा गई आसमान निकल गया। इतने सालों वो मेरे पास रहा और मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो कितना घुन्ना और मीसना है। हेलो, हाँ पता चला दानियाल का, तुम गलती तो नहीं कर रहे, वही लड़का जिसकी तस्वीर मैंने तुम्हें दिखाई थी। शाबाश, लोकेशन व्हाट्सएप करो और मैं आ रहा हूं, बड़े मौके पर मिले हो तुम मुझे, भेजो लोकेशन मुझे जल्दी।